और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चंद्रयान तीन से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ है लैंडर, सफलतापूर्वक अलग हुआ है लैंडर। मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर ने अब अपनी यात्रा शुरू कर दी है। 1:15 पर अलग हुआ है लैंडर। बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा लैंडर। चंद्रयान तीन मिशन में आज भारत को एक अहम सफलता मिल गई है। मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो गया है और इसके बाद अब लैंडर चांद तक अकेले ही सफर करेगा। तो आपको ये बता दें कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद के सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद ही तय करनी है और उसे अपने इंजनों यानी कि थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति धीमी करनी है, साथ ही ऊंचाई भी कम करनी है। 17 अगस्त 2023 को दोपहर विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। 6 दिन का वक्त और बताया जा रहा है अगले हफ्ते तक हो सकता है लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग स्पेशली, क्योंकि पिछली बार लैंडिंग को लेकर ही दिक्कत हुई थी, तो उम्मीद यही व्यक्त की जा रही है सॉफ्ट लैंडिंग जरूर करने वाला। 18 और 20 अगस्त को होने वाली डीऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यून और 100 किलोमीटर वाले ओपुलियन ऑर्बिट में डाला जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3+1 4 मॉड्यूल्स टाइप ऑफ थिंग। फर्स्ट इज LVM-3 विच इज टेकन द कंपोजिट ऑफ विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल अंड प्रज्ञान रोवर टू द 36,000 किलोमीटर हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। फ्रॉम दैर यूजिंग 5 अर्थ बाउंड मैनुवर्स प्रोपल्शन मॉड्यूल हैज टेकन द कंपोजिट ऑफ विक्रम lander and the Pragyan to the lunar orbit. Again, the lunar orbit also from the elliptical orbit, it has now brought to the near circular, close to the moon, around 153 kilometer orbit it has brought, 153/163 kilometer. तो जिस तरह की जानकारी इसरो के वैज्ञानिक दे रहे थे, उनका कहना था 23 अगस्त को दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके बाद लैंडिंग सफल हो जाती है तो भारत चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला केवल 4th देश होगा भारत और उस दिन का इंतजार सबको करना है और थोड़े दिन का इंतजार और है। अब तक पूरी जिस हिसाब से वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया था उसी हिसाब से ये पूरा जो चंद्रयान मिशन 3 है वो आगे बढ़ रहा है और बस कुछ दिनों का और इंतजार और फिर वहां से चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर ये मॉड्यूल जो है उसे सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी और फिर वहां की तस्वीरें सामने आएगी और सबकी सांसें अब थमी हुई है। कुछ दिनों का और इंतजार करना है। अब तक पूरी सफलता के साथ ये मिशन आगे बढ़ा है और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे भी पूरी तरह से सफल होकर यह मिशन अपने आप में इतिहास रचे। तो आज 17 तारीख है, लगभग 1 बजे के करीब ही लैंडर अलग हुआ है, लेकिन 20 तारीख के बाद सबसे कठिन चरण शुरू होगा। एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन चरण यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को कम करेंगे, चंद्रयान 3 को धीमे धीमे चांद की सतह पर तब जाकर उतारा जाएगा। तो ये अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक का जो सफर रहा है वो सक्सेसफुल रहा है, लेकिन 20 तारीख के बाद अब उम्मीद व्यक्त की जा रही है। 6 दिन का वक्त बताया जा रहा है, 6 दिन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है चांद की सतह पर। इसको लेकर हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। तो किस तरह से ये लैंडर अलग हुआ है, अब लैंडिंग की बारी का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ा क्रूशियल है ये वक्त, इसलिए सांस थामे बैठे हैं वैज्ञानिक और उनका कहना है कि जब अब तक इस तरह से सफलता की सीढ़ी चढ़ता रहा है चंद्रयान 3, तो आगे भी इसी तरह से हमें सफलता जरूर मिलेगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। लैंडर सफलतापूर्वक अलग हो गया है, लैंडर मॉड्यूल से अलग होकर अब अपनी यात्रा उसने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 1:15 पर अलग हुआ लैंडर, जो बिल्कुल जिस हिसाब से वैज्ञानिकों ने सोचा था उसी तरह से चला। 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा और उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन में आज भारत को एक अहम सफलता मिल गई है और उस दिन जिस दिन 23 तारीख को यह चांद की सतह पर यानी कि दक्षिणी हिस्से में उतरेगा उस दिन इसे पूरी तरह से सफल माना जाएगा और इसके बाद भारत इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा। मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हुआ है और इसके बाद अब लैंडर चांद तक अकेले ही सफर करेगा, जहां पर 23 अगस्त को दक्षिणी हिस्से में उतरने के बाद इसकी सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी।
बताया जा रहा है कि यही सॉफ्ट लैंडिंग सबसे चैलेंजिंग है और इसको किस तरह से होना है इस बात की निगरानी भी लगातार भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब लैंडर मॉड्यूल सेपरेट हुआ आपस में, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ विक्रम लैंडर, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। अब बाकी की जो यात्रा है लैंडिंग तक की वो अब खुद ही पूरी करनी है। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं और 4.25 लाख किलोमीटर की यात्रा में बची हुई 100 किलोमीटर की दूरी अब उसे खुद ही तय करनी है। जो अब 20 तारीख के बाद का वक्त बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि उसके बाद से ही लैंडिंग की यात्रा शुरू हो जाएगी। चांद के चारों तरफ 2 बार चक्कर लगाते हुए अपनी ऊंचाई और गति कम करनी है इसे, और इसके बाद 23 तारीख की शाम 5:45 बजे के आसपास चांद की सतह पर आराम से यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए उतरना है। अब अगली तैयारी उसी की जा रही है, हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं।